मैंने आपसे कुछ कहना था। हाँ हाँ बोल ना। डांसिंग कंपटीशन से बाहर निकल गई हूँ। क्यों नाटक चल रहा तेरा यो? आपने कहा था ना कि अगर यहाँ पे रहना हो तो आपके हिसाब से। हालात ने मुझे ऐसी जगह लाके खड़ा कर दिया है कि और कहीं जाने का रास्ता ही नहीं बचा। पापा जी के लिए मुझे ये कदम उठाना ही पड़ेगा। अरे भाई बता तो दो कहाँ ले जा रहे हो हमें? पहिया तोड़ना लगा है पैरों में। अरे भैया देखो शांति बनाए रख, कुछ करने के चक्कर में कुछ बोलने लायक ना रहेगा, चुप रह। बाजू रोशनी का है? मालूम नहीं नील भाई। मालूम नहीं का मतलब क्या है? उसे तो इस वक्त अस्पताल में होना चाहिए ना, देखेंगे होगी। अरे रोशनी का क्या काम अस्पताल में? मैं घर का बड़ा चोर हूँ, हमारी ड्यूटी बने मामा जी का ख्याल रखना, फिर मामा जी की देखभाल भी तो करने वाला कोई होना चाहिए। अच्छा इतना ही जिम्मेदार है तो पहले ये बता रोशनी का है? रोशनी ना है यहाँ। आप लोग जरा प्लीज धीरे से बोलिए, यहाँ और भी पेशेंट है। भाई जी यो क्या है? ये हमारे यहाँ 3 दिन तक हॉस्पिटल में रक्तदान है, आप लोग में से कोई भी यहाँ रक्त दे सकता है। हाँ तो आप लोग में से कौन तैयार है? ना अरे भाई अपना बैजू दोगे ना खून? देख कितना हट्टा कट्टा। अरे ना नील भाई मैं कहाँ से खून दूंगा? अरे भाई तू लेकिन। अरे नील भाई खून देने से कमजोरी आ गए बावला है कि ऐसा कुछ नहीं होता। अरे ना मेरी बात ध्यान से सुन, कोई भी इंसान 3 महीने में ना एक बार खून दान कर सकता है, और तो और इससे शरीर में कोई तकलीफ ही नहीं होती। फिर तो भाई जी मैं खून दे के आता हूँ, क्या पता किसका भला हो जावे। बावले दिमाग खराब है क्या तेरा? है भूल करके कल कितनी चढ़ाई थी हमने, अब पीने के 24 घंटे तक तो खून नहीं दे सकता, कल आज खून देने। अरे नील भाई सही कहा आपने, कल मैंने 2-3 बोतलें पी ली थी, अब 3-4 दिन तक तो मैं भी नहीं दे सकता खून। अरे ऐसे कैसे जाने दें, आप घर के बड़े हो, आप तो खून दोगे ना। अब अरे ओ तू जा आराम से जा, मैं यहाँ पे ध्यान रख लूंगा। ये रोशनी क्यों नहीं दिख रही है? रोशनी वहां सिर्फ आप और सिलेक्टर्स होंगे और कोई नहीं होगा, ट्रस्ट मी ऑन दैट, आई विल मेक श्योर ऑफ दैट। सारे पर हमें ट्विंकल को ये बताना ही होगा। लेकिन क्यों? क्यों एक बहन एक दोस्त होने के नाते मैं ट्विंकल को धोखा नहीं दे सकती? ये धोखा नहीं है रोशनी, देखिए इस वक्त आपको अपने ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, सिर्फ अपने ऊपर, एंड ट्रस्ट मी मैं तुम्हें जो सपोर्ट दे सकता हूँ मैं वो दूंगा तुम्हें। आप ऐसे कैसे कह सकते हैं आकर्ष जी, आप एक गुरु हैं और एक गुरु कभी भी अपने स्टूडेंट्स में भेदभाव नहीं करता, फिर आपको ट्विंकल के डांस से ज्यादा मेरे डांस की चिंता क्यों है? क्यों? मैं आपको मेरी वजह से कुछ गलत नहीं करने दूंगी। रोशनी कहाँ गई हुई है? तो आ गई रोशनी, देख तू नील तब पैसे लेने के लिए मना भी करेगी ना? वो तेरे साथ ही रहेगा, तेरा पूरा साथ निभाएगा, तेरी हर परेशानी बांटेगा। चाचा जी आपने होश आ गया? चाचा जी चाचा जी आपको भी कोई परेशानी ना है ना अगर मैं रोशनी का दुख बांटूं, है ना चाचा जी? लेकिन चाचा जी पता नहीं आज क्या हो गया, सुबह से उसमें कोई भूत आ रखा है, के बोले जा रही है समझ नहीं आ रहा। चाचा जी एक बार आप ये बात खुद रोशनी को बोल दो तो अच्छा हो जाओगा ना।
चाचा जी, क्या चाचा जी, चाचा जी, डॉक्टर साहब इन्हें अचानक क्या हो गया? कोई घबराने वाली बात तो ना है ना? आप लोगों से कितनी बार कहा, इनसे कोई ऐसी बात ना करे जिनसे इन्हें तकलीफ हो, लेकिन आप लोग समझते ही नहीं। नर्स, इन्हें कोई डिस्टर्ब ना करे। यस सर। सबसे पहले रोशनी ने यह बता देता हूँ कि उसके पापा जी मेरी मदद के लिए राजी हो गए हैं। चाचा जी आप बस हिम्मत रखना, बाकी मैं सब ठीक कर दूंगा, देखना। कोई दिख भी नहीं रहा। ओ भाई मेरी बात सुन, देखे इसने क्या हुआ इन्हें? अगर मेरे समझ में आता तो तेरे पास क्यों आता? तू देखना बेहोश हो गई है। ऐसा क्या कर दिया आपने इनके साथ? के मतलब, अरे तू पागल हो गया के? अपना आप बेहोश हो गया, तू देख ले क्यों हो गया। कमाल है, कुछ किए भी नहीं बेहोश हो गई। अरे मेरा मतलब है चेकअप के लिए लेके आना पड़ेगा। देखो ना डॉक्टर साहब, क्या हुआ डॉक्टर साहब? ठीक तो है ना? मतलब बेहोश कैसे हो गई एकदम से? यार देखिए, मुझे चेक करने दीजिए, फिर मैं बताता हूँ, ठीक है? डॉक्टर साहब इतनी देर से चेकअप कर रहे हो, कुछ तो जानकारी होगी ना? आपने अचानक तक बेहोश कैसे हो गया? आप बाहर जाइए प्लीज, मुझे शांति से काम करने दीजिए, जाइए आप प्लीज। डॉक्टर साहब बात पता चली ठीक है ना? वाह, ये घबराने की कोई बात नहीं, वो बिल्कुल ठीक है। अगर वह ठीक है तो फिर बेहोश कैसे होगी? सिस्टर, शुरुआती चेकअप के हिसाब से तो पेशेंट बिल्कुल ठीक है। आप ये वाले इंजेक्शन ले आइए, होश में लाने के बाद ही हम उनके टेस्ट करवा सकते हैं। पक्का ठीक है ना? वाह, अच्छा ये बताओ ये दवाई कहाँ पे मिलेगी? वहां उस तरफ। हाँ बंटी, हाँ सुन, बैजू का खूनदान हो गया हो तो उसे अंकल जी के पास भेज दे, नहीं तो तू आ जा, मैं बाहर जा रहा हूँ रोशनी से मिलने, बहुत जरूरी काम है। भाई जी अभी तक तो कुछ ना हुआ है, लेकिन अगर नील भाई जी की बात का जवाब ना दिया ना तो कुछ ना कुछ बवाल जरूर होगा। भाई जी मैं तो छुपा बैठा हूँ भाई जी, लेकिन ऐसा कब तक चलेगा? कभी ना कभी तो जवाब देना पड़ेगा। नील, मैंने तेरे से जरूरी बात करनी है। अभी मेरे पास वक्त ना है, बहुत जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ मैं। अगर मैं कहूँ कि मैं तेरे लिए काम करने के लिए तैयार हूँ तो तब भी समय नहीं है तेरे पास बात करने का? हाँ, मैं तेरे साथ काम करने के लिए तैयार हूं। एक हाथ तूने बढ़ाया था मेरे से, अब एक हाथ मैं बढ़ा रहा हूं। अब तेरे से हाथ बढ़ा रहा हूं तो इसका मतलब यू नहीं कि मैं तेरे सामने झुक गया।
जो सब मैं दारजी की इज्जत के लिए करूं, क्योंकि मेरे मन में उनके लिए बहुत इज्जत है और करनाल के लोगों के लिए, और मुझे लगता है कि उन लोगों को मेरी जरूरत है, और उन सब की खातिर मैं तेरे लिए काम करने के लिए तैयार हूं। अज्जू, मैंने बहुत खुशी है कि तूने यह फैसला लिया, और हाँ, मैंने हाथ जरूर बढ़ाया था, लेकिन इसका मतलब यो ना है कि मैं तेरे पे आंख बंद करके भरोसा कर सकूं। तू दारजी का खास है, उनका भरोसेमंद, सिर्फ इसलिए मैं तेरी इज्जत करूं। बाकी अज्जू, मैं आंख बंद करके किसी पे भी विश्वास ना कर सकूं। क्योंकि ये करनाल और करनाल के लोगों का सवाल, और मैं अपने करनाल के लोगों ने धोखा खाने ना दे सकूं, इसलिए अज्जू तू ना सावधान रहियो, क्योंकि मेरी नजर हर वक्त तुझ पे, क्योंकि मौसम भी मिजाज बदलने में बहुत समय लगता है, और तू तो फिर भी अज्जू है। मुझे लगा नहीं था तू इतनी जल्दी समझ जाओगी, एकदम से काया पलट। एक रात में काफी कुछ बदल गया। पर चल, ये तो अच्छी बात है जो तूने इतना समझदारी से फैसला लिया, पर इस बार ना थोड़ी वफादारी भी दिखा दियो, और उसके लिए तेरा पहला काम भी तैयार, जिन भी लोगों ने चाचा जी के साथ ये टुच्ची हरकत करी है वो सारे के सारे मरने चाहिए, और उन्हें ढूंढ के लाएगा तू। क्या हुआ रोशनी, तूने मुझे और मॉम को यहाँ अचानक से क्यों बुलाया? हम किसी कॉफी शॉप में भी मिल सकते थे ना। क्या हुआ रोशनी, तू इतनी परेशान क्यों लग रही है? मामा जी तो ठीक है ना? ट्विंकल, पापा जी बिल्कुल ठीक है, और मुझे बात पापा जी की नहीं करनी, बात तेरी और मेरी है। तेरी मेरी मतलब? ट्विंकल, एक मैं जो बोलने जा रही हूँ, हो सकता है कि तू उसके बाद मुझसे कभी बात ना करे, ऐसा भी हो सकता है कि तू कभी मेरी शक्ल ही ना देखे। ट्विंकल, मैं तुझे झूठ बोलकर धोखा नहीं देना चाहती थी, मैंने तुझसे ये बात छुपाई तो तेरी दोस्त कहलाने के लायक भी नहीं रहूंगी। मैं जानती हूं मैं तुझे दुख पहुंचाऊंगी, पर हो सके मुझे माफ माफ कर देना, कर देगी ना? ट्विंकल, जो कुछ भी कर रही हूं ना, सब पापा जी के लिए कर रही हूं, उनके लिए मुझे एक कदम ना चाहते हुए उठाना पड़ेगा। तू समझ रही है ना मैं क्या कह रही हूँ? रोशनी, ये घुमा फिरा कर बात मत करो, जो भी बात है साफ साफ करो। हाँ रोशनी, बताना तू कहना क्या चाह रही है। ट्विंकल, रोशनी कल ट्रायल राउंड्स में डांस करने वाली है। मैं बता दूंगी सबको कि तुम
डांस करने वाली। तब सोचो नील की फैमिली को कैसा लगेगा, तुम्हारी फैमिली को कैसा लगेगा। मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी। अगर आपने ऐसा किया तो मैं भी जाके सबको बता दूंगा कि आपकी बेटी ने कॉम्पिटिशन में धोखा दिया है, उसकी जगह किसी और को डांस करवाया। क्या इसका मतलब रोशनी कॉम्पिटिशन में मेरे सामने खड़ी होगी? नहीं ट्विंकल, ट्विंकल मेरी बात सुन, मैं तो तेरी बहन हूं ना, मैं तेरे खिलाफ कभी नहीं जाऊंगी, तुझे धोखा नहीं दूंगी। वो तो मेरी मजबूरी है जो मुझे करना पड़ रहा है। तूने देखा भी है कि वो 25,000 जमा करने के चक्कर में कितनी परेशानियां हुई हैं, क्या कुछ नहीं करना पड़ गया। कुछ सोच, मैं अस्पताल के लाखों के बिल्स कहाँ से भरूंगी, कहाँ से लेके आऊंगी इतने पैसे। मुझे समझने की कोशिश कर। और तू तो जानती है ना कि मैं खुद डांस से इतनी नफरत करती हूँ, तो मैं डांस क्यों करूंगी ट्विंकल। सिर्फ पापा जी के लिए मुझे कदम उठाना पड़ा। ये नाटक छोड़ो और मेरी बेटी से दूर ही रहो। इतनी आसानी से ये सब तुमने कह दिया? हाँ, ट्विंकल के बारे में जरा भी नहीं सोचा। वो कैसा फील करेगी? गलती तो मेरी ही थी, मुझे तो पहले ही समझ जाना चाहिए था कि तुम मेरी बेटी की जगह लेना चाहती हो, उसके सपने को अपना सपना बनाना चाहती हो। देखा ट्विंकल, मैंने कहा था ना तुम्हें किसी पर भी इतना विश्वास मत करो। देखा तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड ने क्या किया, जिस पर तुम इतना भरोसा करती थी, जिसके लिए तुम मुझसे लड़ती थी, मेरे पर्स से तुमने पैसे चुराए और आज उसने तुम्हारे साथ ये किया। लोग ठीक ही कहते हैं कि छोटे शहर वालों को अपना फायदा निकालने की आदत ही होती है। ताई जी, आप मुझे गलत समझ रही हैं। मैं तो तुम मुझे समझाओगी कि मैं कैसे समझूं? अब तुम देखना कि मैं क्या करूंगी। मैं बता दूंगी सब कि तुम डांस करने वाली हो। तब सोचो नील की फैमिली को कैसा लगेगा, तुम्हारी फैमिली को कैसा लगेगा। मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी। अगर आपने ऐसा किया तो मैं भी जाके सबको बता दूंगा कि आपकी बेटी ने कॉम्पिटिशन में धोखा दिया है, फ्रॉड किया है, उसकी जगह किसी और को डांस करवाया। एंड माइंड यू, अगर ये बात सबको पता चल गई तो आपकी बेटी का करियर हमेशा हमेशा खत्म हो जाएगा। जी, वो पुरानी बात हो चुकी है, आप वापस उसे क्यों उठा रहे? वाह रोशनी, क्या बात है, डांस के साथ साथ एक्टिंग क्लासेस भी शुरू कर दी है। सब कुछ करने के बाद भी महान बनने की कोशिश कर रही हो? वन सेकेंड मॉम, सोच भी नहीं सकती थी कि तू मेरे साथ ऐसा करेगी। रोशनी बाकी बातें छोड़, तू इतनी सी बात अपने तक रख नहीं पाई। तूने मुझसे वादा किया था ना कि तू किसी को नहीं बताएगी कि मेरे बदले डांस तूने किया, लेकिन ये तो रोशनी ने मुझे नहीं बताया ट्विंकल, मुझे खुद से पता चला है। और इतना मुश्किल भी नहीं था, बिट्टू को भी तुम पर शक है। मुझे वो आपके ऑडिशन राउंड वाले कॉस्ट्यूम भी मिले, पर पता नहीं मुझे वो देखने में आपके डांस वाले ड्रेस से थोड़ी थोड़ी अलग लगी। पर ये बात हम चारों के बीच ही रह सकती है, किसी को कोई खबर नहीं होगी, प्रोवाइडेड
हम इस टॉपिक को यहाँ अभी खत्म कर दें। सच कह रही हूँ, इसके बाद कुछ भी नहीं बदलेगा, वैसे का वैसा ही रहेगा। प्लीज रोशनी, अब पहले जैसा कुछ नहीं रहेगा, सब कुछ बदलेगा। ट्विंकल, ट्विंकल मेरी बात सुन, देख, तू भरोसा कर, ये सिर्फ मैं पापा जी के लिए कर रही हूँ, और सिर्फ करनाल के ट्रायल्स तक मैं रहूँगी, उसके बाद जीत कर आगे तू ही जाएगी, मैं पीछे हट जाऊँगी तेरे लिए, तेरे सपनों के बीच में कभी नहीं आ सकती ट्विंकल, मैं तुझे धोखा क्यों दूंगी, मैं तो खुद चाहती हूँ तेरे सारे सपने पूरे होना, बस मुझे समझने की कोशिश कर, मैं हालात से मजबूर हो चुकी हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती ट्विंकल, और मैं सच कह रही हूँ, इसके बाद कुछ भी नहीं बदलेगा, वैसे का वैसा ही रहेगा। अब पहले जैसा कुछ नहीं रहेगा, सब कुछ बदलेगा। मेरी बेटी को दुख पहुंचाने की कीमत तुझे चुकानी पड़ेगी रोशनी कनवर। जाओ और सही जगह से खबर लेकर आना। आपको डांस में पार्टिसिपेट करना है ना, तो एजे सर से आप बात कीजिए। पर वो मास्टर जी है कहाँ? मंदिर के पीछे जो दूसरा रास्ता जा रहा ना, उसकी तीसरी गली से जो जगह है ना, वहीं मिलेंगे आप।